तो आज हम पढ़ेंगे तो आ गए आप इस वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानेंगे इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो तुम उसे एक बार जरूर से ट्राई करना अगर ये वीडियो नहीं देखनी है तो लास्ट में स्विच कर लो पर उसे जरूर से देखना एंड मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूं कि तुम उसका सही आंसर नहीं बता पाओगे तो अब हम मुद्दे पे आते हैं हैं तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट तो ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाएगा एंड बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोर्स लगाएगा एंड इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो अगर हम इस ए ऑब्जेक्ट को अर्थ बनाते एंड बी अर्थ पे पड़ा कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी पर अब तुम कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट भी तो अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता था कर सकता था और करता भी है पर क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी एंड क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास कम है तो ये अपनी तरफ अर्थ को कम अट्रैक्ट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ना कि अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगी तो अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में भी एक फोर्स लग रही है एंड वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ एंड एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी तो ग्रेविटी क्या हुई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडीज यानी जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उसे हम ग्रेविटी कहेंगे। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है एंड अर्थ का मास कैपिटल एम है एंड इस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है आर जो अर्थ का रेडियस है वो है आर वो अर्थ का रेडियस भी है एंड इस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी है तो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है तो अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है क्योंकि उस फोर्स की वजह से ये अर्थ से चिपका हुआ है एंड न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है यानी इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है एम एंड मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जी एक्सेलरेशन लग रही है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स थी लग रही है मास इंटू एक्सलरेशन यानी एम इंटू जी एंड हम यही फोर्स ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई आर का स्क्वायर आर यानी डिस्टेंस बिटवीन दम इसका स्क्वायर तो हमें दोनों इक्वेश्स के अंदर जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है वही मिल रही है यानी ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर्क का स्क्वायर तो अगर हम जी के साथ वाले एम को इस साइड भेजेंगे तो इस साइड जाके ये डिवाइड होगा तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास फॉर्मूला बचेगा जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई अर्क स्क्वायर तो यहां पर हमें मिला है जी का फॉर्मूला इस जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की, की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल जी यानी कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिर रहा है एंड उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है यानि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है और कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही तब हम उसे कहते हैं फ्री फॉल एंड जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर होता है तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है एंड चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलेशन तो फ्री फॉल के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेरेशन लगता है एंड वही एक्सेलरेशन है जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ये एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है अब हम जी की वैल्यू निकालते हैं तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल m बाई अर्क स्क्वायर कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन एस टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी एंड कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ जो तय 6 इनटू 10 इस टू पावर 24 किगी एंड आर होता है रेडियस ऑफ़ अर्थ जो है 6.4 इनटू 10 इस टू पावर 6 मीटर तो ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर रख देते हैं तो अब हमें क्या करना है जो 10 की पावर्स हैं उन्हें एक साइड ले लेना है एंड डेसिमल नंबर्स को एक साइड ले लेना है तो 6.7 इ

तो जो ये पावर्स है ट्वेंटी फोर माइनस इलेवन एंड नीचे सिक्स सिक्स ये ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा टू इलेवन डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट फोर इंटू सिक्स इंटू 10 रिच टू पावर सिक्स प्लस सिक्स तो जब तुम ये मल्टीप्लीकेशन करोगे एंड पावर्स को ऐड करोगे तब तुम्हारे पास आएगा फोर्टी पॉइंट एट इंटू टेन टू पावर थर्टीन डिवाइड बाई फोर्टी पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन रिज टू पावर ट्वेल्व तो अब हमें इन डेसिमल्स को हटाना है अब इन डेसिमल्स को कैसे हटाएंगे वो देखते हैं तो तुम्हें दोनों डेसिमल नंबर को पहले चेक करना है कि किस डेसिमल पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स हैं तो नीचे वाले के पास ज़्यादा डिजिट्स हैं तो हम नीचे वाले डेसिमल को हटाएंगे एंड ऊपर वाला अपने आप हाँ हट जाएगा तो नीचे वाले को कैसे हटाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में दो डिजिट्स हैं यानी दो विलन्स हैं। दो विलन्स हैं तो दो विलन्स के लिए दो हीरोज चाहिए हीरोज़ यानी जीरोज़ तो अगर हम इसे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल हट जाएगा हमने नीचे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं एंड इस इक्वेशन के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये बन जाएगा फोर ज़ीरो टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई फोर जीरो नाइन सिक्स अब बच गई पावर्स तो जब हम नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी यानी ये क्या हो जाएगी टेन एज टू पावर थर्टीन माइनस ट्वेल्व हम जब नीचे वाले को ऊपर लेके आए तो वो माइनस होगी एंड जब तुम उस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जी की वैल्यू आएगी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कई बार हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जी की वैल्यू को टेन ही ले लेते हैं और कैलकुलेशन से याद आया ग्रेविटेशन के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है ए उसकी जगह हम जी को रखेंगे यानी जो मोशन की तीन इक्वेशंस थी इनके अंदर जो ए है वो जी से चेंज हो जाएगा तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ए की जगह जी की वैल्यू को रखना है अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बॉल एक पर्टिकुलर हाइट से गिर रही है एंड वो जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड के बाद से टकरा रही है। तो हमें वो जब ग्राउंड से टकराएगी तब उसकी स्पीड क्या होगी एंड हमें जी की वैल्यू दी हुई है है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ बॉल गिर रही है यानी वो पहले रेस्ट के अंदर थी एंड बाद में मोशन के अंदर आई पहले रेस्ट के अंदर थी यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी यानी यू जीरो है एंड मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी नीचे आते आते वी होगी वी यानी फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम हमारे पास है 0.5 सेकंड एंड एक्सलरेशन यानी जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए का यूज करेंगे तो वी हमें निकालना है यू है जीरो एंड जी है टेन एंड टी है जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव इन टेन क्या हो जाएगा फाइव तो वी यानी फाइनल वेलोसिटी आएगी फाइव मीटर पर सेकेंड तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी होगी फाइव मीटर पर सेकेंड तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एक ही जगह जी को लेना है तो अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी की यानी जी की वैल्यू कब कब चेंज होती है तो अगर हम जी के फॉर्मूले को देखें तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई अर्क स्क्वायर तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है रेडियस ऑफ अर्थ है यानी जी अर्थ के मास एंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पर कई ऑब्जेक्ट का मास तो है ही नहीं यानी जो जी की वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट के मास के इंडिपेंडेंट होती है वो डिपेंड ही नहीं करती अगर तुम कोई भारी ऑब्जेक्ट को लो या हल्के ऑब्जेक्ट को लो और उन दोनों को रिलीज करो एक हाइट से तो उन दोनों के ऊपर जी की एक ही वैल्यू लगेगी यानी उनकी विलोसिटी सेम होगी एंड वो ग्राउंड से एक ही टाइम पर टकराएंगे तो जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आर है आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली यानी जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी एंड जैसे जैसे रेडियस कम होगा वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी उल्टा इनवर्स तो अगर हम अर्थ की शेप को देखें तो अर्थ की कुछ ऐसी शेप होती है यह है अर्थ का सेंटर एंड यह है इक्वेटर एंड ये है पोल्स अगर हम सेंटर से पोल का डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इक्वेटर पोल से सेंटर का डिस्टेंस कम है तो g की वैल्यू वहां पर क्या होगी ज़्यादा क्योंकि g एंड रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो पोल्स पर अगर कोई आदमी है तो उसके ऊपर g की वैल्यू ज़्यादा लगेगी एंड अगर हम इक्वेटर की बात करें तो सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस है ज़्यादा तो g की वैल्यू लगेगी कम तो जी की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर कम होती है एंड पोल्स पे ज्यादा होती है तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं तो बात करते हैं हमारे क्रेजी क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा एंड तीन ऑप्शंस दूंगा तुम्हें सही ऑप्शन बताना है तो यह क्वेश्चन ये हमारे कल्लू भैया है एंड ये कुछ कर रहे हैं तो अब आगे होगा क्या ए ऑप्शन कल्लू भैया छलांग लगाएंगे एंड पहाड़ों पे चले जाएंगे बी कल्लू भैया को कौवा उठा के ले जाएगा या फिर सी कल्लू भैया अपना सर खुजाएंगे सोचो सोचो होता है क्या? तो मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो सही ऑप्शन है कल्लू भैया नहा के नहीं आए थे वो नहाने जाएंगे तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा